भक्ति के रंग में सराबोर ये श्रद्धालु हर साल लाखों की संख्या में नागपुर के धापेवाड़ा में पहुंचते हैं। विदर्भ का पंढरपुर कहे जाने वाला ये धापेवाड़ा नगर पवित्र नदी चंद्रभागा के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि पंढरपुर की आषाढ़ी एकादशी महापूजा और यात्रा पूरी होने के बाद विट्ठल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए धापेवाड़ा आते हैं। ऐसे में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और मेला भी लगता है। और अब इन लाखों श्रद्धालुओं की राह और आसान कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में नेशनल हाईवे 547E यानी सावनेर धापेवाड़ा कलमेश्वर गोंडखैरी 4 लेन रूट बनकर तैयार है और इसका लोकार्पण किया जा रहा है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद से ही देश के हर इलाके में विकास को एक नई रफ्तार मिली है और विकास की इस रफ्तार की गति बढ़ाने का काम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स के जरिए किया है। इसी कड़ी में नितिन गडकरी जी इस बहुप्रतिष्ठित 4 लेन नेशनल हाईवे 547E का लोकार्पण कर रहे हैं। इस नेशनल हाईवे की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये नेशनल हाईवे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए है। 28.88 किलोमीटर लंबा है। प्रोजेक्ट की कुल कीमत है 720 करोड़ रुपए। इसके ग्रीन फील्ड कलमेश्वर बाईपास की लंबाई 6.2 किलोमीटर है। साथ ही चंद्रभागा नदी पर 432 मीटर लंबाई का एक बड़ा पुल बनाया गया है। एक रेलवे फ्लाईओवर है जिसकी लंबाई 1800 मीटर है। वहीं कुछ 4 छोटे पुल हैं, एक फ्लाईओवर है और 3 वेहिकुलर अंडरपास बनाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों तरफ 10 बस शेल्टर बनाए गए हैं। जिस चंद्रभागा नदी के पुल की बात हमने की है उसकी लंबाई 252 मीटर और हाई एम्बैंकमेंट पहुंच मार्ग की लंबाई 180 मीटर है। मतलब ये है कि पुल की कुल लंबाई 432 मीटर है। वहीं रेलवे फ्लाईओवर की बात करें तो इसकी लंबाई 1800 मीटर और हाई एम्बैंकमेंट पहुंच मार्ग की लंबाई 600 मीटर है। मतलब कि कुल लंबाई 2400 मीटर है। इस नेशनल हाईवे के लोकार्पण से न सिर्फ विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के लिए श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से नागपुर की भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। सालों से सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक जाम की परेशानी झेल रहे सावनेर धापेवाड़ा कलमेश्वर और गोंडखैरी के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत है। सुगम यातायात होगा और चंद्रभागा नदी पर 4 लेन के पुल से ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। जो 6.2 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड कलमेश्वर बाईपास बना है उससे कलमेश्वर शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। रेलवे फ्लाईओवर, वेहिकुलर अंडरपास, फ्लाईओवर और ओवरपास से शहर को सड़क सुरक्षा में मदद मिल सकेगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट में इससे बेहतरी आएगी। गोंडखैरी चिट्स भवन एरिया में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क में इजाफा होगा। लोगों का समय और ईंधन बच सकेगा। और हाँ, इस इलाके के किसानों, कृषि और स्थानीय उत्पादों की कनेक्टिविटी बड़ी मंडियों से बेहतर तरीके से हो सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में नागपुर जिले में 447 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। नागपुर शहर और जिलों को NHAI, PWD और CRF के जरिए सड़क विकास के लिए अब तक कुल 17,019 करोड़ रुपए की निधि मंत्रालय की तरफ से सौंपी गई है। नितिन गडकरी जी और उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अलग अलग धार्मिक स्थलों से कनेक्टिविटी को बेहतर करने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित सफर को खासा महत्व दिया है। आलंदी से पंढरपुर और देहू से पंढरपुर के पालखी राजमार्गों का समग्र विकास भी चल रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले कुछ सालों में सभी धार्मिक स्थलों के लिए पहुँच को बेहद आसान बना दिया है। और अब बारी थी विदर्भ के पंढरपुर यानी धापेवाड़ा की। अब इस नए राजमार्ग के निर्माण से धापेवाड़ा इंदौर, भोपाल, हैदराबाद और मुंबई से जुड़ गया है और विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के लाखों श्रद्धालुओं को सावनेर, धापेवाड़ा, कलमेश्वर, गोंडखैरी तक 4 लेन वाला रास्ता मिल गया है जो किसी वरदान से कम नहीं है। और इसी तरह इन प्रयासों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टैगलाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, सिर्फ सड़कें ही नहीं राष्ट्र का निर्माण भी।